नमस्कार दर्शकों, बंधन समाचार में मैं हूं आपके साथ ऋचा वर्मा। और अब हम बात करते हैं जिला बिजनौर की, जहां से हमारे संवाददाता तुषार वर्मा से मिली जानकारी के अनुसार बिजनौर में जिलाधिकारी महेश मिश्रा और पुलिस अधीक्षक दिनेश सिंह द्वारा थाना कोतवाली शहर के अंतर्गत ग्राम पंचायत औरंगपुर तारा विकास खंड मोहम्मदपुर देवमल में ग्राम चौपाल का आयोजन किया गया। चौपाल में जिलाधिकारी महेश मिश्रा ने बताया कि क्षेत्र में निराश्रित पशुओं की समस्या के समाधान के लिए गांव से पशुओं की डाटा फीडिंग का कार्य प्रारंभ किया जा रहा है, जिससे पशुओं की सही संख्या का आंकलन हो जाएगा और इस समस्या का निराकरण किया जाएगा। देखिए, इस समय जो गांव की सबसे बड़ी समस्या है, जो आप लोग हम लोगों को आके बता रहे हैं कि साहब ये जो लोग छुट्टा पशु है इनसे कैसे निजात मिले, तो इसी समस्या का समाधान करने के लिए हम और कप्तान साहब ने एक कार्य योजना बनाई कि क्यों न हम लोग जितने भी गांव में सारे पशु हैं उनको उनकी गणना करा और 100% पशुओं की ईयर टैगिंग करा दें। क्योंकि यदि आप लोग इस बात से सहमत होंगे कि हम इसी गांव में हर गांव में भी एक गौशाला बना दें, हर गांव में एक गौशाला बना दें, तब भी ये सारे लोग जानवर छोड़ते रहेंगे तो उसका समाधान नहीं हो पाएगा। बोलिए मैं गलत कह रहा हूं? तो इसका समाधान मात्र यही है कि सब लोग जैसे भी पहले हमारे होता था, क्या हमारे यहाँ पहले पशु नहीं थे? क्या थे कि नहीं पहले? और कोई आज ये 100-200 साल की परंपरा तो नहीं, हजारों साल की परंपरा है कि जब हम मनुष्यों के साथ साथ पशु भी हमारे रहते हैं। पहले तो अधिक थे, हाँ बहुत ज्यादा थे। अब गोवंशी पशु हमारे लिए तो मतलब एक प्रकार से हमारी आजीविका के साधन हुआ करते थे, या कहिए कि हम बिना उनके जी नहीं सकते थे, हमारा जीवन ही संभव नहीं था। और अब ये स्थिति हो गई है कि मैंने देखा कि इधर साल भर में ये प्रवृत्ति ज्यादा पनपी है, पहले ऐसा नहीं था। तो इसका समाधान कैसे करें? हमको बताया गया कि इस गांव के, इस आसपास के गांव के लोग सबसे ज्यादा जागरूक हैं, ज्यादा जिम्मेदार लोग हैं, अपनी जिम्मेदारियों को ज्यादा अच्छे ढंग से समझते हैं। इसी कारण हमने ये तय किया कि हम लोग इस अभियान की शुरुआत यहां से करें। वहीं पुलिस अधीक्षक दिनेश सिंह ने कहा कि पशुपालक अपने अपने पशुओं को खुले में ना छोड़े, यदि पशुपालक द्वारा ऐसा किया गया तो उनके ऊपर कार्यवाही की जाएगी। चौपाल में विकास कर मोहम्मदपुर देवमल के सभी गणमान्य व्यक्ति और ग्राम पंचायत प्रधान आदि मौजूद रहे। और इसी के साथ जुड़े हैं बंधन समाचार के साथ।